ये क्या होता है ना? सप्तपदी का अर्थ होता है वर और वधु का एक साथ सात पग चलना। ये सात पग विवाह की लंबी यात्रा पर ठीक से चल पाने के लिए अनिवार्य होते हैं। गरुड़, प्रथम पग अन्न की वृद्धि के लिए होता है। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा और अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वही सफल गृहस्थ हो सकता है। अधिक पका लेना, झूठन छोड़ना और स्वच्छता का ध्यान न रखना, इन सभी बातों से स्वास्थ्य की हानि होती है। इसलिए आहार की सात्विकता का उचित ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का मुख्य उत्तरदायित्व है। दूसरा पग शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए होता है। व्यायाम, परिश्रम, उचित और नियमित आहार विहार से तन का बल स्थिर रहता है। अध्ययन और विचार विमर्श से मनोबल बढ़ता है। जिन प्रयत्नों से दोनों बल बढ़े, पति और पत्नी समर्थ, स्वस्थ और सशक्त बने, उनका उपाय सोचते रहना चाहिए। तीसरा पग धन की वृद्धि के लिए होता है। जैसे मुद्रा अर्जित करना आवश्यक है, वैसे ही व्यय की मर्यादाओं का ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य है। चौथा पग होता है सुख की वृद्धि के लिए। पति पत्नी प्रसन्न चित्त रहे, मुस्कुराने का अभ्यास करें, हंसते हंसाते जीवन व्यतीत करें। सदैव ध्यान रखना, जो संतोष करना जानता है सुखी भी वही रह सकता है। पांचवा पग परिवार पालन की नीति सिखाने के लिए होता है। छोटे बड़े सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। आश्रित पशुओं, सेवकों और दासों को भी अपने परिवार का अंग माना जाए। उन सभी आश्रितों की उचित देखभाल, सुरक्षा, उन्नति और सुख शांति के उपाय अपनी पूरी क्षमता के साथ किए जाएं। यही इस पांचवें पद की शिक्षा है। संतानों को जन्म देना स्वाभाविक है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में उसका भी स्थान है। परंतु इन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मर्यादाओं का पूरी कठोरता और सतर्कता से पालन किया जाना चाहिए। यही इस छठे पग का संदेश है। और ये सातवां पग मित्रता को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए होता है। पति पत्नी दोनों ही ये ध्यान रखें कि उनकी ओर से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। साथ ही अगर कोई भूल कर भी रहा हो तो उसका उत्तर कठोरता से नहीं बल्कि सच्चता और सहृदयता के साथ दिया जाना चाहिए। दुष्टों के साथ दुष्टता की नीति सांसारिक व्यक्तियों के साथ एक सीमा तक अपनाई जा सकती है, परंतु अपने साथी का हृदय जीतने के लिए उदारता, सेवा, सौजन्यता और क्षमा जैसे शस्त्र ही उपयोग में लाने जाने चाहिए। सब पदी में सात पग बढ़ाते हुए सात सूत्रों को आत्मसात करना होता है। इन आदर्शों और सिद्धांतों को यदि पति पत्नी अपना लें और इस मार्ग पे चलने के लिए पग से पग मिलाकर अग्रसर होने की ठान लें, तो दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह की संभावना ही नहीं बचती। सप्तपदी होने के बाद ही अर्धांगिनी को वामांगी का अधिकार प्राप्त होता है। अब देवी लक्ष्मी की मांग में सिंदूर डालने की विधि आरंभ होगी।
जानते हो सिंदूर मांग में क्यों भरते हैं? क्योंकि ब्रह्म ज्योतिर्मय है और उसकी ज्योति का रंग लाल है, और ये शुभ इसलिए होता है क्योंकि नारी की मांग ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर होती है। स्त्रियों का ये स्थान बहुत कोमल होता है, इसलिए यहाँ सिंदूर भरने से स्त्री के तन में विद्युत तरंगें नियंत्रित रहती हैं। सिंदूर दान की इस अंतिम रीति के साथ अब विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह और इस दृश्य को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। कद्रू, तुम्हारा मुख क्या हुआ? तुम इतना आश्चर्यचकित होकर क्या देख रही हो? क्या हुआ मेरे मुख को? कद्रू, तुम्हारे चेहरे के दाग क्या हुआ है? बोलो। कद्रू, वो लुप्त हो गए। धन्यवाद प्रभु विष्णु, धन्यवाद माता लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। है आप समझी नहीं असुर माता, ये महिमा प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी की है। आज विवाह इनका हुआ है, पर जो अतिथि पूरे मन से सम्मिलित हुए हैं, अब उन सबका कल्याण होगा। नारायण नारायण। सत्य कहा मुनिवर, केवल आज ही नहीं, आज से अनंत काल तक जो भी पूरे मन से और सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा, उसके सारे मनोरथ सफल होंगे, सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरी संतानों को अमृत मिल जाए और वो सर्वशक्तिमान बन जाए। माया का खेल भी कितना अनोखा है, कितने शीघ्र खेल लेती। अभी कुछ क्षण पहले तक
कद्रू के मन में केवल भक्ति थी, किंतु इच्छाओं ने फिर से इसे अब जकड़ लिया। पर प्रभु, जब तक ये अपने दोषों से मुक्त नहीं होती, विंता और गरुड़ अपने दासत्व से मुक्त कब होंगे? शीघ्र होगा, अब वो मेरा दायित्व है। रो क्यों रहा है तू? मुझे दासी के इन वस्त्रों में देखकर ये तो होना ही था ना गरुड़। परंतु क्यों मां, जब प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बड़ी मां के मुख के दब्बे हट सकते हैं, हमें दासत्व से मुक्ति क्यों नहीं कर? किसी और को क्या मिला है और हमें क्या नहीं मिला, ये सोचना व्यर्थ है। मैं अपने जीवन में ये भूल एक बार कर चुकी हूँ, जब मैंने अपने सौभाग्य से प्रसन्न होने के स्थान पर अपना ध्यान कद्रू दीदी के सुख पर केंद्रित कर दिया था, जिससे मेरे मन में ईर्ष्या के महापाप ने जन्म ले लिया था। करुण, मैं नहीं चाहती तो भूल कर भी वही भूल फिर से दोहरा दे। आप सही कह रही हो। तू चिंता मत कर गरुण, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह भगवान दत्तात्रेय की कृपा की वर्षा माँ पर हुई है, उसी तरह प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होगी। माँ, उनकी कृपा का आशीर्वाद तो मुझे पहले ही मिल चुका है अरुण। इतने अच्छे, इतने संस्कारी दो दो पुत्र जो दिए उन्होंने मुझे, अपने पुत्रों के अच्छे कर्म और सेवा का फल ही तो है जिसके कारण मैं इस पवित्र समारोह में सम्मिलित हो पाई हूँ। यहाँ इतना सम्मान, इतना अपनापन मिला है मुझे, ये सब केवल इस जन्म में ही नहीं, आने वाले हर जन्म में मुझे सुख देने के लिए पर्याप्त है। अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपके सुख का दायित्व स्वयं प्रभु विष्णु के लिए है, तो अब कोई संकट, कोई पीड़ा आपको छू नहीं पाएगी। प्रभु, विदाई के इस भावुक क्षण में हम दोनों की ओर से छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। ये मणि उस सम्मान का प्रतीक है जो आप सबने मुझे दिया है। आज मैं अपनी पुत्री के साथ साथ इस मणि को भी आपको सौंप रहा हूं। आपकी पुत्री मेरे हृदय में वास करती है। इसलिए आज से इस मणि को मैं अपने हृदय के निकट धारण करूंगा, ताकि देवी लक्ष्मी को अपने माता पिता की निकटता का आभास सदैव होता रहे। सारे संसार की श्री को हम दोनों भला दे ही क्या सकते हैं, फिर भी पुत्री, इसे हमारी प्रेम की भेंट समझकर स्वीकार कीजिए। बड़ी विचित्र बात है ना, सारा संसार जिस लक्ष्मी देवी को पाने की चेष्टा करता है, आज मैंने उनका कन्यादान किया है। पर मैं जब देखता हूं कि मैंने अपनी पुत्री का हाथ किन हाथों में दिया है, तो ऐसा लगता है जैसे इससे बढ़कर और पुण्य कार्य कुछ हो ही नहीं सकता।
अपनी पुत्री का घर से जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर मैं लक्ष्मी भी हूँ और जाते जाते मैं इस घर को कुछ देना चाहती हूँ। ये खेल प्रसन्नता का प्रतीक है जो मुझे इस घर ने दिया है। पत्नी होने के नाते मुझे आगे बढ़ना है, किंतु पुत्री होने के नाते मैं यहां प्रसन्नता बिखेर के जाना चाहती हूं। वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए मुनिगण वंदित मोक्ष। जिसका पुत्र स्वयं स्वर्गाधिपति हो उसे किसी के सामने झोली फैलाने की क्या आवश्यकता। देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांति युते जय जय है मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मा। श्लो अष्ट लक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विष्णु वक्षः स्थलारूढे भक्त मोक्ष प्रदायिनी जगन्मात्रे च मोहिन्ये मंगलं शुभमंगलम्। बस एक ताना, इससे क्या होगा। अच्छा हो ये व्रत की प्रथा के साथ ये विवाह भी संपन्न हुआ और अब शुरू होगा मंथन। रुक जाइए मामी श्री, आप इस रथ पर नहीं चढ़ सकती। गणेश जी अब क्या करना चाहते हैं, कहीं कोई भूल चूक ना हो गई है, अब और भी ना आ जाए। क्या हुआ गणेश, तुम्हारा और तुम्हारे मूषकों का पेट नहीं भरा क्या। पेट तो भर गया भ्राता, किंतु मन नहीं भरा। मुझे नेक दिए बिना आप रथ पर नहीं चढ़ सकती मामी श्री। स्वामी अभी तो आपने वचन दिया कि सारी परिस्थिति में आप मेरे साथ रहेंगे, और अभी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं आपके साथ ही हूँ देव, और सदैव आपके साथ रहूंगा, किंतु छोटे भांजे ने आपसे नेक मांगा है, ये उसका अधिकार है, ये तो आपको अवश्य देना होगा। गणेश आप बुद्धि के देवता हैं और मैं धन वैभव की देवी, और जब बुद्धि ही ना हो तो धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि हम दोनों की पूजा अब से साथ में होगी। जो हम दोनों का स्मरण साथ में करेगा वो ज्ञान और सफलता दोनों पाएगा, सदैव सुखी रहेगा।
आपने बहुत अनुपम उपहार दिया है मामी श्री, इससे उत्तम नेक कोई और हो ही नहीं सकता। आइए देख। तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें हमारे साथ वैकुंठ चलना है। मैं वैकुंठ, प्रभु विष्णु के धाम? क्या हुआ, चौंक क्यों गई? विवाह हुआ है पर वैकुंठ में भी तो रीतियां होंगी ना। जिस प्रकार इतने अच्छे से तुमने मेरी यहां सहायता की, वहां वैकुंठ में भी तो करोगी ना। सदैव विंता को मुझसे अधिक महत्व मिलता है। माँ, मैं कैसे? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती वहां। विंता, मैं स्वयं तुम्हें मेरे साथ वैकुंठ चलने के लिए कह रही हूँ और तुम मना कर रही हो। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है माँ, पर मैं कैसे? देवी विंता, वैकुंठ की स्वामिनी ने स्वयं आपसे साथ चलने का आग्रह किया, आप इनका आदेश टाल नहीं सकती। प्रभु, स्वागत की तैयारियां करने के लिए हमें आपसे पहले पहुंचना होगा। आज्ञा दीजिए। चलिए मां। रुको कदरू, वैकुंठ जाने का विशेष निमंत्रण सिर्फ विंता को मिला है, तुम्हें नहीं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम स्वयं भी तो बिना निमंत्रण के आई थी ना, और स्वयं तुमने भी देखा ना कि इन सब ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। इन सब ने मेरी उपेक्षा की है, पर मैंने कैसे भी करके अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। क्या तुम कर पाओगी कदरू? वैकुंठ में जाकर अगर तुमने विंता के लिए कुछ भी बुरा कहा या सोचा तो ना जाने परिणाम क्या होगा। यदि प्रभु विष्णु और देवी लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो गए तो अपने पुत्रों के लिए अमृत पाने का मेरा स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे वैकुंठ नहीं जाना चाहिए। तू जितना उड़ना चाहती है विंता, उड़ ले। एक बार, बस एक बार मेरे पुत्रों को अमृत मिल गया
तो फिर उन्हें तेरे करुण से कोई संकट नहीं होगा। फिर तब तब अपने हर अपमान का बदला लूंगी तुमसे। अद्भुत, अविश्वसनीय, कितना सुंदर है ये लोग। आज तक केवल इसके स्वप्न देखे थे मैंने। सदैव सोचती थी कि कैसा होगा वैकुंठ। अपनी कल्पना से इसके भित्ति चित्रों में रंग भरती थी, पर ये स्थान तो मेरी कल्पना से भी परे है गरुड़। मैं साक्षात वैकुंठ की यात्रा कर रही हूँ। ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है पुत्र। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा गरुड़। मैं वैकुंठ के द्वार के सामने हूं। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना सारा सुख, यह अकल्पनीय है गरुड़, अकल्पनीय। विंता, आओ आओ। अच्छा हुआ तुम तनिक पहले ही आ गई। एक बार तुम भी देख लो, गृह प्रवेश की कोई सामग्री छूट तो नहीं गई। मैं? हाँ। मैं कैसे देखूं? अरे चलो भी। ये देखो। देखो ना विंता, कोई सामग्री छूट तो नहीं गई। हाँ, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी आ गए। मुझे सदा से ज्ञात था कि समुद्र मंथन कराने से हमारा मिलन अवश्य होगा, और आज आपको अपने साथ वैकुंठ लाते हुए मेरे सारे प्रयास सफल होने का अनुभव हो रहा है मुझे। पूजा स्वीकार करें गणपति, भीतर पधारें।
सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां मां अरुंधति मां अनुसुया जिस आत्मीयता से आपने मेरा स्वागत किया उससे मैं अभिभूत हो गई। विनता, तुम दोनों अपनी कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाते और वो बहुत प्रशंसनीय है। और सबसे अधिक धन्यवाद मैं आपको कहना चाहती हूँ स्वामी, आप ही के कारण इस अद्भुत आनंद का अनुभव करने का अवसर मिला मुझे। केवल आप ही नहीं दे, संसार की हर स्त्री इसी सम्मान की अधिकारी है, क्योंकि पत्नी का धर्म निभाते समय वो जितने त्याग करती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे सखा ने बिल्कुल सत्य कहा है देवी। एक कन्या जिस घर में पली बड़ी होती है उस घर को, माता पिता को, भाई बहन सखी संबंधियों को, सभी को छोड़कर वो एक अपरिचित व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाती है केवल एक आश्वासन के सहारे। वो आश्वासन जो उसके पिता ये कहते हुए देते हैं कि ये वर तुम्हारे लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। पूरे विश्वास से कन्या अपने पिता के वचन को अपना जीवन मान लेती है। सब कुछ त्याग कर वो एक नया जीवन लेती है। ससुराल में पग रखते ही पति के सभी संबंधी उसके अपने हो जाते हैं। सत्य तो ये है देवी कि एक स्त्री ही है जो अपने सृजन की शक्ति से कुल को आगे बढ़ा सकती है। अपने पति को अपने माता पिता के ऋण से आंशिक रूप से मुक्त कर सकती है। स्त्रियां बिना कुछ मांगे पुरुषों पर अपना सब कुछ निछावर कर देती है, इसीलिए उनका सम्मान जितना किया जाए उतना ही कम है। आपका कथन सत्य है महादेव और भावुक भी। जिस प्रकार आप सभी ने मेरा गृह प्रवेश किया उससे न केवल मुझे प्रसन्नता हुई बल्कि मेरे भीतर आत्मविश्वास का संचार भी किया कि वधु होने के नाते मैं अपने उत्तरदायित्व अच्छे से निभा सकती हूँ। मायके से ससुराल जाते समय संसार की हर स्त्री को इसी आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं ये संकल्प लेती हूँ स्वामी, आज से जो भी परिवार अपने बहू का गृह प्रवेश इन सब संस्कारों के साथ करेगा मैं स्वयं उस स्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे गृह लक्ष्मी बनाऊंगी। उसके शुभ हाथों से हल्दी के छाप उस घर के कष्ट और रोगों को मुक्त करेंगे। अक्षत बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगी और आलते से रंगे हुए उसके पदचिह्न उस घर को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। यदि तुम सब मानते हो कि हमारे प्रतियोगी केवल देवता हैं, तो तुम सब भ्रम में हो।
अमृत पर केवल देवताओं की नहीं नागों की भी दृष्टि है। और नाग ही क्यों, जो भी प्राणी एक निश्चित आयु लेकर इस संसार में आता है और अपना समय पूरा होने के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और वो प्राणी इस अमृत को पाना चाहेगा। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि अमृत प्रकट होते ही सबसे पहले हम उसे छीन सके। पर यह कैसे होगा महाराज, क्योंकि गरुड़ की तीव्र दृष्टि सदैव हमी पर बनी रहती है। हाँ महाराज, मंद्राचल से लेकर वासुकी तक सब सदैव केवल देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। और वैसे भी महाराज, अब विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी इस मंथन को देखेगी। उन सब की कड़ी दृष्टि के सामने कैसे चुराएंगे हम अमृत? नारायण नारायण। आप जानते हैं मां, एक दिन यही वैकुंठ में खड़े होकर गरुड़ के मन में भी इच्छा आई थी कि वो प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी के मिलन में सहायक बने। ठीक उसी तरह आज आपके मन में जो भी विचार आया है वो भी अवश्य पूरा होगा मां। वैसे सखी, जब से आपने स्वयंवर में नारायण को चुना है तब से मेरे भीतर एक प्रश्न उमड़ रहा है। कहां तो आप मृगनयनी मनमोहक लाल गालों वाली रूपमती देवी, और कहां ये नारायण जो कभी तो सलोने दिखाई देते हैं और कभी सांवला श्याम रंग धारण कर लेते हैं। आप कमल पुष्प पर विराजती हैं और ये विशाल सर्प पर, ये कैसा मेल है देवी?